धनबाद के 68वें पुलिस कप्तान के रूप में आज अखिलेश बी वारियर्स ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वैसे निवर्तमान SSP किशोर कौशल ने कल 30 अप्रैल के अपराह्न ही वारियर्स को पदभार सौंप दिया था। आपको बता दें, महज कुर्सी पर बैठने की औपचारिकता पूरी की गई है। बहरहाल कुर्सी संभालने के साथ ही अपने प्रथम प्रेस ब्रीफिंग में नए SSP श्री वारियर्स ने पहले अपना परिचय दिया और अपनी पुलिसिंग की प्राथमिकता गिनाई। ब्रीफिंग में आने के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अखिलेश वारियर है। मैंने SSP धनबाद का प्रभार कल अपराह्न में एम्बेसडर किशोर कौशल से लिया है। धनबाद में आने के बाद आज आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। मैं 2012 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। पूर्व में मेरी एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग केरला यूनिवर्सिटी में हुई, उसके बाद चाईबासा में ट्रेनिंग, टंडवा SDPO, और उसके बाद गिरिडीह और चतरा ज़िला में सेवा करने का मौका मिला और अभी धनबाद है। चतरा और गिरिडीह में सभी जो लोग थे उनका बहुत सहयोग मिला और हम लोग की कोशिश थी कि पुलिसिंग एज ए सर्विस का मोटो जारी रखें। धनबाद में भी वही प्रयत्न रहेगा और यहाँ की जो भी जनता है और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी और आपसे भी अनुरोध है कि कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पुलिस को कन्वे करनी हो तो आप लोग कन्वे कर सकते हैं। मेरे नंबर्स भी आपके पास हैं। अनुरोध होगा कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिले जिसमें लगता है कि पुलिस को कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं, और आने वाले दिनों में हम लोग टीम भावना से अच्छा काम करेंगे। ये एक बड़ी और एक कॉम्प्लेक्स जगह है। सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसको समझना। उसके बाद हम लोगों की प्राथमिकता में सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर जो क्रैकडाउन करना है, वो लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना और उस पर कंट्रोल रखना हम लोगों की प्राथमिकता में होगा। एंड एक एक्सेस हम लोगों का माओइस्ट अफेक्टेड भी है, उस पर भी एक्शन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग एक टीम भावना से बेहतर पुलिसिंग एवरीडे सिटीजन के लिए देने की कोशिश करेंगे, और विशेष ऐसे क्राइम्स जो क्राइम